प्यार आपां करदे ते छट हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू वीडियो पर। तो इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे ये वाली रील बहुत ज़्यादा वायरल है, जो भी आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखी। तो अगर अभी आप लोग इस रील को बनाकर अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, बहुत ज़्यादा व्यूज आने के चांसेस हैं और इस रील को बनाना बहुत आसान है। तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा इस रील को एडिट करना, इसके स्टेप बाई स्टेप। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक वॉच करना है। अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा वीडियो कैसे एडिट करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, प्लीज रोटेट योर डिवाइस फॉर बेटर व्यूइंग। क्या करना, सबसे पहले VN ऐप पे आ जाना है। ये आप लोग को प्ले स्टोर में सारे से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से ब्लू कलर के प्लस वाला आइकन दिखेगा नीचे, उस पर आप लोग क्लिक करना है और न्यू प्रोडक्ट पे जाना है। मेरी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो क्लिक मिलेगी, तो उसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आप लोग को उस वीडियो को ऐड कर लेना है। तो अब हमारी वीडियो VN ऐप पे ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद आप लोग क्या करना है कि लास्ट पे जाना है, VN ऐप को जो बटन रखे उसको यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। और उसके बाद आप लोग क्या करना है कि जहाँ तक फोटो है, फोटो वाला पार्ट को आप लोग को स्प्लिट करके डिलीट कर लेना है और लास्ट वाला पार्ट बस रहने देना है। यहाँ से देख लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से पूरी कम कर देनी है। तो यहाँ से आप लोग को स्प्लिट कर देना है और जो फोटो वाला पार्ट है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाना है, वीडियो और फोटो पे जाना है और यहाँ से आप लोग को अपनी एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने अपनी फोटो सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से आप लोग क्या करना है, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जो ब्लू कलर का दिख रहा है। और आप लोग अपनी फोटो की लेंथ 4 सेकंड यहाँ से रख लेते हैं आप लोग। अब इसके बाद आप लोग क्या करना है कि फोटो में आप लोग को फोटो में क्लिक करना है और लास्ट पे जाना है और ऐसे जूम वाला ऑप्शन दिखाई उस पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को जूम इन वाला एनिमेशन डायरेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और ऐसे टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे आप लोग को ऐड इसमें जाना है और यहाँ पे आप लोग को लिखना है सी। यू डिजर्व बेटर, यहाँ से आप लोग को लिख देना है और यहाँ से आप लोग को अपने हिसाब से एक इमोजी ऐड कर देनी है। तो आप लोग को जो पसंद आए वो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इमोजी भी ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट आप लोग को रखना हो तो वो फॉन्ट आप लोग रख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं ये वाला रखता हूँ और यहाँ से आप लोग को कलर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अपने कोई से भी कलर कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से। और इसकी साइज यहाँ से बड़ी करके आप लोग ऊपर के साइड या कहीं भी आप लोग रख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसकी लेंथ आप लोग को अपने फोटो के हिसाब फोटो तक रखनी है जहाँ तक आप लोग की फोटो है। अब इसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से इसकी आप लोग क्या करना है टिकटॉक वाला सेट कर लेना है और यहाँ पे आप लोग को फिर से एक बार क्लिक करना है और इसको ऊपर ऐड कर देना है। अब यहाँ से आप लोग क्या करना है, बीच प्लस वाला आइकन दिखे उस पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को एक एनिमेशन ऐड कर देना है। डन। अब इसके बाद आप लोग क्या करना है, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाना है, म्यूजिक पे जाना है और यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाना है, स्टेट फ्रॉम वीडियो पे जाना है, ओके करना है और यहाँ से अभी आप लोगों ने जो वीडियो डाउनलोड की थी उसी वीडियो को यहाँ से फिर से ऐड कर देना है और यहाँ से चूज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग का म्यूजिक भी ऐड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं एक बार। अब आप लोग को ऊपर एरो वाला ऑप्शन दिखे उस पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ से इसको 60 रखना है और यहाँ से आप लोग को वीडियो को सेव कर देना है। आप लोग को वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, तो वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।